हरियाणा पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह की दत्तक बेटी हनीप्रीत इंसा खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हनीप्रीत पर आरोप है वो राम रहीम को अदालत से भगाने की साजिश रच रही थी। हनीप्रीत के साथ साथ पुलिस ने आदित्य इंसा के खिलाफ भी लुकआउट की है। 25 अगस्त को जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की पंचकुला अदालत के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दोषी ठहराया और उसे जेल ले जाने की तैयारी हुई। सूत्रों की माने तो इस दौरान इन लोगों ने राम रहीम को भगाने का प्लान तैयार किया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद हनीप्रीत अब देश छोड़ के नहीं जा सकेगी। बता दें कि राम रहीम को सजा होने के बाद से ही इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर हनीप्रीत गई कहां है। हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा है। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी गद्दी कौन संभालेगा इसे लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार हनीप्रीत इंसा है, क्योंकि डेरा के नियम के मुताबिक गद्दी उनके बेटे जसमीत इंसा को नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अपने पापा की काफी करीबी मानी जाने वाली हनीप्रीत गद्दी की सबसे प्रबल दावेदार मान जा रही हैं। राम रहीम के जेल पहुंचने के बाद हनीप्रीत को आखिरी बार रोहतक में देखा गया था। वो राम रहीम के साथ ही हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल गई थी, जिस पर विवाद हुआ था।